सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है ये चैप्टर में। फर्स्ट वी विल सी द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, लास्ट ईयर ऑल्सो आई थिंक सो यू हैड द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? लास्ट ईयर आपको पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए कहा गया था। ओके, दिस वॉज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। एंड सेकेंड थिंग दे आस्ट यू, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट लाई। ओके, ये दो चीजें थी आपको लास्ट ईयर। ओके, यहाँ पे अभी हम लोग उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। ओके, सो जस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स कंटेंट विच वी आर गोइंग टू स्टडी। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ऑलरेडी वी हैव डन दिस पार्ट इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। डिस्टेंस फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डेफिनेटली द क्वेश्चन कम्स ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला इन द एग्जाम। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, लास्ट ईयर दिस टॉपिक वॉज नॉट देयर फॉर लास्ट ईयर बैच बिकॉज द सिलेबस वॉज रिड्यूस। सो फॉर यू we are taking everything, we are not skipping any topic. आपका भी सिलेबस रिड्यूस होने वाला है, बट अभी तक कोई ऑफिशियल सर्कुलर नहीं आया है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। तो अभी डिस्टेंस फॉर्मूला मैं आपको एक शॉर्ट में आइडिया देता हूँ। सपोज दिस इज द सेगमेंट, सपोज दिस सेगमेंट इज ए बी, तो पॉइंट ए का कुछ कोऑर्डिनेट होगा। सपोज पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमा वाई वन और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है एक्स टू कॉमा वाई टू। इट कैन बी एनी वैल्यू। हाँ, ओके, सो ये ए बी सेगमेंट का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करता हूँ। इन ऑर्डर टू गेट द डिस्टेंस ऑफ दिस ए बी सेगमेंट आई यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये ए बी सेगमेंट को अगर मैं सपोज दो टुकड़ों में ऐसे कट कर देता हूँ, ओके, सपोज दिस इज माई पॉइंट पी, ये पॉइंट पी का भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, तो एपी और पीबी ये दोनों सेगमेंट का रेशियो क्या होता है, दैट वी गेट इन सेक्शन फॉर्मूला। वी आर मेकिंग द सेक्शन ना ऑफ दिस सेगमेंट ए बी, सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द सेक्शन फॉर्मूला। ओके, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, यू आर ऑलरेडी अवेयर विद द एरिया ऑफ ट्राइंगल, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं वो देखने वाले हम। So, what is coordinate geometry? Yes. What is coordinate geometry? What is coordinate geometry? You can express it in your own words. Kya hai coordinate geometry? Whatever you know, you can tell. What do you know about coordinate geometry? क्या होता है coordinate geometry में? A way of expressing points on the plane. Okay, correct. Plotting points on xy plane on x and y axis. Correct. Okay, plotting points on graph. Okay. Correct. So, coordinate geometry is nothing but the branch of geometry. It is the branch of geometry in which two numbers called coordinates are used to indicate the position of the point in the plane. Okay, so the definition of coordinate geometry is what? It is the branch of geometry in which two numbers are used. Okay, aise hi likhte ho na aap. Suppose I will give the example minus 1, comma minus 3. तो ये दो नंबर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? दीज आर इंडिकेटिंग द पोजिशन ऑफ द पॉइंट इन अ प्लेन। टेल मी इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट विल कम। माइनस वन कॉमा माइनस थ्री। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर? फोर। फोर क्वाड्रेंट्स आर देयर। दिस विल कम इन थर्ड क्वाड्रेंट बिकॉज बोथ द वैल्यूज आर नेगेटिव। ओके, if both the values are negative या फिर both the coordinates are negative, so it comes in the third quadrant. Okay,
सो ये दोनों भी जो वैल्यू है ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये पॉइंट का लोकेशन क्या है किसी भी प्लेन में. ये पॉइंट का लोकेशन क्या है किसी भी प्लेन में. अटेंडेंस लिंक हैज बीन पोस्टेड, फील्ड अटेंडेंस. नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. नाउ द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय चूजिंग द एक्सेस ऑफ रेफरेंस विच आर टू नंबर लाइन्स. अभी आप यहाँ पे देखोगे फिगर डिस्प्ले होने के बाद में एक्सिस, दो एक्सिस होते हैं हमारे पास और दोनों भी एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं और दोनों भी एक्सिस कुछ भी नहीं, दे आर नथिंग बट द नंबर लाइन्स. इन लोअर क्लासेस यू माइट हैव स्टडीड नंबर लाइन्स. द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एज द वाई एक्सिस. और दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज ओरिजिन. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, 0, 0. करेक्ट, 0, 0 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन. अभी दो नए टर्म्स है, एप्सिशिया एंड ऑर्डिनेट्स. आई थिंक सो लास्ट ईयर ऑल्सो यू हैव स्टडीड दिस एप्सिशिया एंड ऑर्डिनेट. तो एप्सिशिया क्या होता है, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम एक्स एक्सिस. यानी किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है उसको हम लोग एप्सिशिया बोलते हैं, उसको हम लोग एप्सिशिया बोलते हैं. और किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं. इज इट क्लियर टू यू. x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का उसको एप्सिशिया बोलेंगे और y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा किसी भी पॉइंट का उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलेंगे. नाउ सी द फिगर, सी दिस इज योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो वी आर हैविंग x एक्सिस, y एक्सिस. आई विल राइट x डैश हियर. दिस इज नेगेटिव x एक्सिस और नीचे यहां पे लिखता हूं y डैश. दिस इज नेगेटिव y एक्सिस. तो यहां पे हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं, वी आर हैविंग 4 क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों भी पॉजिटिव होता है. सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है. और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों भी नेगेटिव होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है. फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स विल बी पॉजिटिव एंड वाई विल बी नेगेटिव. नाउ सपोज आई एम प्लेसिंग द पॉइंट हियर. दिस इज माय पॉइंट. चलो हु विल टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, who will tell me the coordinates of this point? Sir, 2, 2. 2, 2. Okay, 2, 2 are the coordinates of this point. Suppose this point is A. तो मुझे बोलो इसका एप्सिशिया कितना है और ऑर्डिनेट कितना है. एप्सिशिया is 2 and ordinate is also 2. एप्सिशिया क्या होता है, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस से लेके ये पॉइंट तक का डिस्टेंस है 2, दैट इज एप्सिशिया. और वाई एक्सिस से लेके ये पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है ऑर्डिनेट, दैट इज ऑल्सो 2. ओके, इज इट क्लियर टू यू, एनी डाउट टिल हियर? नो सर. ओके, नेक्स्ट इज डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, नाउ सी द फिगर. हाँ, हमको यहां पे पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है.
ओके पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द डिस्टेंस फॉर्मूला। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या लिया है हम लोगों ने, एक्स वन कॉमा वाई वन, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स टू कॉमा वाई टू। ओके और ये डिस्टेंस हमको निकालना है, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। ओके तो अभी हमने दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए होते हैं, ओके कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो मुझे बोलो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं नीचे एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं परपेंडिकुलर, और ये क्यू से भी मैं एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं परपेंडिकुलर। ओके और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, पी पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर निकाल रहा हूँ, एंड आई एम एक्सटेंडिंग दिस परपेंडिकुलर, और ये दोनों यहाँ पे टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दोनों परपेंडिकुलर्स। ओके सो इट इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज व्हाट, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ओके सो दिस डिस्टेंस पी टी, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, इट इज एक्स टू माइनस एक्स वन। अब आप बोलोगे x2 माइनस x1 कैसे है, तो अभी देखो ये ओरिजिन है आपका, दिस इज योर ओरिजिन, ओरिजिन से लेके s पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, हाउ मच इट इज, ओरिजिन से लेके x पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, इट इज x2। ओके और ओरिजिन से लेके r पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, इट इज x1। ओके और मुझे PT सेगमेंट चाहिए, तो आई विल हैव टू डू x2 माइनस x1। ओके नेक्स्ट थिंग, सिमिलरली ये Q पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है वो निकालने के लिए, ये QT सेगमेंट का डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, y2 माइनस y1 करना पड़ेगा, क्योंकि Q से लेके S तक का डिस्टेंस है y2 और T से लेके S तक का डिस्टेंस है y1। So we have done y2 minus y1. Okay, just apply the Pythagoras theorem here. क्योंकि PT आपका x2 minus x1 है और QT आपका y2 minus y1. So what we will get, PQ square it is equal to x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. Yes or no? If we apply the Pythagoras theorem, we will get this or not? Please give the response. Only 1 minute is remaining. Okay. उसके बाद हम लोग taking square root on both the sides कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा? X2 minus X1 का whole square plus Y2 minus Y1 का whole square. This is nothing but your distance formula. Pythagoras से ही बना है distance formula. Is it clear to you the distance formula? Tomorrow we will start the exercise on this distance formula. ये formula कहाँ से बना है? हम लोगों ने अभी उसका description देखा है. It is nothing but made from the Pythagoras theorem. I will send you the PDF file on your WhatsApp group. You need to copy this all the things, theoretical part in your CW. Then you will start the exercise tomorrow. Derivation is not required, only formula is there for you.